जय श्री राम। मित्रों, रामचरितमानस का यहां तक की कथा मैं आप सभी को सुना चुका हूं। आज की कथा है केवट का प्रेम और गंगा पार जाना। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, जिनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे, श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूली के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लूट जाऊंगा अथवा समस्त रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरे कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। तो मैं इस नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखाने धो लेने के लिए कह दो। मित्रों, इस प्रकार निषाद है, जो केवट है वो भगवान श्री राम के चरण धोने का बहाना ढूंढ रहे थे, ताकि उनके चरणों का स्पर्श किया जा सके। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है। मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूं, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू ही कर जिसमें तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैल धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य भव सागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को माप लिया था, वही कृपालु श्री राम जी गंगा जी के पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। केवट से कह रहे हैं, प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु स्वीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार करके वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर वह भगवान के चरण धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे, इसके सामने पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों तक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों और भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले आया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देख प्रभु को संकोच हुआ कि उसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है।
मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझसे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूंगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी की ओर सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौटकर आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रीतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही देखते लोग लोकपाल हो जाते हैं, सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशलतापूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष कराकर तब उनको विदा किया। मित्रों, यह वह प्रसंग है जब भगवान श्री राम को केवट गंगा नदी पार करवाते हैं। यदि आपको रामचरितमानस का यह प्रसंग अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मित्रों, जय श्री राम।